वक्त मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के मेन गेट के ठीक बाहर है और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और आप अंदर जो देख सकते हैं कि कार्केट अंदर लगी हुई है, एम्बुलेंस भी लग चुकी है और तमाम जो विधायक हैं सत्ताधारी दल के वो एक जगह जमा हो चुके हैं और थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि बस भी अंदर जो है वोल्वो बस है, लग्जरी बस है, अंदर में दो बसें हैं और उसी उन्हीं बसों में विधायक बैठेंगे। जैसे कि हम लोग सुबह से बता रहे हैं कि जब विधायक सीएम के आवास पर पहुंच रहे थे तो यहां उनके साथ बैग एंड बैगेज भी था, ये इंडिकेट कर रहा था उसी समय से और सवाल चल रहा है। ये देखिए सीएम आवास के बाहर मीडिया का पूरा जमावड़ा, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के विधायकों को आखिर कहां ले जाने की तैयारी हो रही है, क्या उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि संभव है कि झारखंड में ही किसी जिले में सेफ जगह पर सारे विधायकों को ले जाया जाएगा। संभव है कि गिरिडीह भी ले जाया जा सकता है, संभव है कि नेतरहाट भी ले जाया जा सकता है। तो ये पूरी तैयारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो चुकी है। और मैं एक दूसरी बड़ी ब्रेकिंग खबर दे दूं, चुनाव आयोग के सिफारिश के बाद राजभवन को जो कल तक की बात कि आज वो अपना ऑर्डर जो अपना मंतव्य जो है चुनाव आयोग को भेज देंगे, जो अभी हमें जानकारी मिली है कि आज संभव नहीं है। मतलब राज्यपाल अब संभव है कि मंडे को अपना ऑर्डर चुनाव आयोग को भेजेंगे। तो ये एक लिंगर हो रहा है, पूरी प्रक्रिया लिंगर हो रही है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल इस पसोपेश में है कि आगे किसी भी संभावना ऐसी ना बन जाए जिसमें वो पॉलिटिकली फेल्योर हो जाए। इसलिए पूरी तैयारी चल रही है। देखिए बस आ रही है, देखिए एक बस आ रही है, हम देख सकते हैं कि ये जो बस है लग्जरी रॉयल क्रूजर ब्लू रंग की बस, ये देखिए बस सीएम आवास से निकल रही है और उसके पीछे एक पीले रंग की बस है, पीले रंग की एक और बस है और वो दोनों बसों पर थोड़ी देर में ये बस अब कहाँ जाएगी, इसी बात में कार कैसी है और इनको एस्कॉर्ट करके ले जाया जाएगा, तो अब ये कहाँ बस जाएगी ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। जैसे ये बस आ गई बोलते आप देखिए ये बसें बस आ गए गेट में बोलने की तैयारी हो रही है और यहाँ से टारगेट भी है। सबसे बड़ी बात है कि एस्कॉर्ट किया जा रहा है, तो एक तरह से होता है कि लोगों के सामने से बन्ना गुप्ता बैठे हुए हैं, अनुज सिंह बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद बस में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री दिख रही है हिमाचल के अकेला अखिलेश ये दीपिका पांडे पीले रंग की गाड़ी एक एच 02 AB 6 9 5 ये बस का नंबर है, पम्मी बस है और देखिए दो और बस है पीछे जो है रॉयल क्रूजर तीन बसें, ये फुल प्रूफ जिसको कहते हैं तैयारी करना, ये तैयारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो गई। और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि अपने तमाम विधायकों को इंटैक्ट रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इधर उधर छिटक जाए और पूरा संख्या बल का गणित बिगड़ जाए, क्योंकि आगे जो परिस्थिति बनेगी संभव है कि परेड कराने की नौबत आ जाए, तो यही काम आना है। तो संख्या बल का खेल चल रहा है, सबका जो है वो संख्या बल पर ही चलता है और वो जो है देखिए ये इसमें अन्य जो है विधायक इसमें है, सामने में एक और बस जा रही है उसमें भी विधायक बैठे हुए हैं और पहले वाली बस में मुख्यमंत्री खुद बैठे थे और वो पूरी चीजों का नेतृत्व कर रहे थे। ये देखिए हुसन बाड़ा है, गगराई है, ये तमाम बाकी लोगों ने अपना ओवर पर्दा डाल रखा है। ओवर टू स्टूडियो।